जहाँ पर पुलिस ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पर यह घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ पर पुलिस एक तरह से पार्ट भी बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार के कई ज़िलों में बीते दिनों जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और पूछ रहा है कि बिहार में शराबबंदी कहाँ है। इसी को लेकर जब आज हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार सरकार को एक बार फिर से शराबबंदी कानून पर विचार करना चाहिए। वहीं उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जहाँ पुलिस की मिलीभगत है वहाँ तो एक नंबर शराब का व्यापार हो रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पहले आप वो सुने। देखिए, ये तो माफिया तत्व का काम है और जहाँ पर पुलिस ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पर यह घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ पर पुलिस एक तरह से पार्ट भी बन गई है और मुझको पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिन जगहों पे घटनाएं हुई हैं माफिया तत्वों के द्वारा उनको सजा भी मिलेगी और वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए चोरी छुपे इस तरह के कार्य होते हैं। जहाँ पर मजबूती से पुलिस काम कर रही है वहाँ पर कुछ घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि वो लोकल स्तर पर 3 नंबर का काम करने के कारण हो रहा है। जहाँ घटनाएं नहीं हो रही हैं, खास करके अगर मैं पूर्वी चंपारण की बात करूं जो मेरा भी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, तो जो स्थितियां हैं वह भयावह हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का सहयोग से पूर्वी चंपारण में शराब का काम चल रहा है और जहां 1 नंबर का शराब प्रशासन के सहयोग से चल रहा है वहां पर जाहिर बात है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। जहां पर प्रशासन कड़ा है वहां पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। हर हालत में रिव्यू करने की आवश्यकता है। यह एक बहुत अच्छे इंटेंशन से और महिलाओं के पक्ष में लाया हुआ एक बहुत ही बढ़िया प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा है। प्रशासन अपने स्तर पर मेहनत भी कर रहा है, लेकिन जहां शराबबंदी नहीं है वहां भी अवैध शराब बनते हैं और वहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसीलिए इस घटना को केवल शराबबंदी से जोड़ना सही नहीं होगा, पर यह जरूर है कि जिन स्थानों पर प्रशासन की भूमिका संदेहास्पद है उसके बारे में बिहार सरकार को जरूर चिंता करनी चाहिए। रिव्यू आपने कानून के बारे में कहा कि शराबबंदी के बारे में, देखिए मेरा मानना है कि एक पूरा इस कानून की सफलता आज 5-6 साल हो गया, जरूर इस पर एक विचार और जरूर इस पर एक सोच होनी चाहिए। तो आपने साफ तौर पर सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को करना का साफ तौर पर कहना है कि एक बार पुनः बिहार सरकार को शराबबंदी कानून पर विचार करना चाहिए। वहीं उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जहां पर प्रशासन और पुलिस की साठ घाट है वहां पर तो अच्छे तरीके से शराब का कारोबार हो रहा है। वहीं उनका यह भी कहना है कि जहां पर पुलिस की मिलीभगत नहीं है वहां पर ऐसी घटना होते रहती है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शराबबंदी कानून को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान दे दिया है, तो ऐसे में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं। बहरहाल बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।